कोरोना काल में सुनसान सड़कों पर यमदूत विचरण करते हैं और लोगों को घर में रहने की नसीहत देते नजर आए। ये यमराज एम्बुलेंस और स्वर्ग रथ लेकर घूम रहे थे। उनका यह कहना था कि आपके पास विकल्प है, इन दोनों वाहनों में जा सकते हैं या फिर सकुशल अपने घर पर रह सकते हैं। दरअसल नगर निगम की टीम के अधिकारी कर्मचारी यमदूत और कोरोना वायरस बनकर सड़कों पर उतरे। ये लोग लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि कृपा कर के घर में रहें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बावजूद इसके कई लोग नियमों की अवहेलना करते सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिस वजह से नगर पालिका द्वारा यह कदम उठाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष विकास शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका द्वारा नए नए प्रयासों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य बस हम लोगों का ये था कि लोगों को जागरूकता फैलाना है। अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से भी पूरी दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ इस स्थिति को देख रहे हैं, तो वही लोगों को जागरूकता जगाना था कि घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे, सुरक्षित रहे। नगर पालिका के सब इंजीनियर और नगर पालिका के कर्मचारियों ने आज कोरोना का रूप धारण करके नगर पालिका के वाहन स्वर्ग रथ और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि अगर आप लोग बाहर निकलेंगे तो ये एम्बुलेंस और ये स्वर्ग रथ में भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए उन लोगों ने लोगों से निवेदन किया है कि आप लोग बाहर ना निकलें, नहीं तो हम लोग कोरोना के माध्यम से जो लोग कोरोना बने हुए हैं वो आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आप लोग बाहर निकले तो आप लोगों को हमारा कोप भजन का शिकार बनना पड़ सकता है। यही जागरूकता लोगों को देने के लिए आज लोग निकले थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।